अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर्स। हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास किस तरह एक करेक्ट ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करें, दी डेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज़। स्टूडेंट, हमने डेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास एक नंबर हो 4, हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, तो इसके साथ हम क्या ऐड कर ले कि इससे ज़ीरो आ जाए। तो हम इसके साथ -4 ऐड करते, इससे ज़ीरो आ जाए, तो ये -4 इस 4 का एडिटिव इनवर्स हुआ। फिर अगर हमारे पास 3 हो, तो इस 3 के साथ हम क्या ऐड कर ले कि इससे ज़ीरो आ जाए, तो -3, तो ये -3 का इस 3 का एडिटिव इनवर्स हुआ। तो इस तरह स्टूडेंट अंडर रूट 5 है, अगर हम बात करें अंडर रूट 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब अंडर रूट 5 के साथ क्या ऐड कर ले कि वो जो है वो इससे ज़ीरो आ जाए। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स उलट को कहते हैं। एडिटिव मीन ऐड से निकला हुआ है, तो इसका उलट इसके साथ ऐड करना, तो इसका ये प्लस अंडर रूट 5 है, तो इसका उलट मतलब इसके साथ क्या ऐड कर ले कि इससे ज़ीरो आ जाए, तो माइनस अंडर रूट 5, तो इसके साथ माइनस अंडर रूट 5 ऐड कर ले, इससे ज़ीरो आ जाएगा। तो अंडर रूट 5, तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम फिर प्लस अंडर रूट 5 लिखते, लेकिन यहाँ पर प्लस अंडर रूट 5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस अंडर रूट 5 है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इसको देख ले, तो 2 × 3 + 4, 2 × 3 + 2 × 4, हियर प्रॉपर्टीज़ यूज, कौन सी प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन की हुई थी स्टूडेंट, के जब भी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर स्टूडेंट देख ले, यहाँ पर रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस का है, तो जब भी प्लस और मल्टीप्लाई एक ही प्रॉपर्टी में आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, याद रखें। स्टूडेंट, अगर हम थर्ड एमसीक्यूज़ की बात करें, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, इससे क्या आएगा स्टूडेंट, तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों अंडर रूट में है, तो मैं इसको एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, दरमियान में मल्टीप्लाई डाल ले, हाँ लिख सकता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, पावर में 1 होता है, दोनों के बेसिस सेम है, मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी बेसिस सेम होते हैं पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्टूडेंट, -1 अपनी जगह पर 1 + 1 2 आ जाएगा। स्टूडेंट, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा, देखते -1, तो ये -1 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, विच ऑफ द फाइलिंग रिप्रेजेंट ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। अच्छा, इसमें कौन सा वाला हमें शो कर रहा है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है स्टूडेंट, कि इसमें जो है एक्स की वैल्यू 3 से कम है और 3 से ज़्यादा है और लेस देन 6 है, इसमें कौन सी x की वैल्यू स्टूडेंट, यहाँ पर देख ले, x इज़ ग्रेटर देन 6, अगर x को देख ले तो ग्रेटर देन 6, यहाँ पर कह रहे लेस देन 6, तो इसको हटा दे। यहाँ पर अगर हम देख ले स्टूडेंट, x इज़ लेस देन 6, ये तो ठीक आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन -3, -3 से ज़्यादा आ रहा है, -6 से कम आ रहा है, ये भी यही कह रहे, लेकिन अगर हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर इक्वलिटी साइन भी मौजूद है, जो डैश ये वाला साइन, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, इक्वल को, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसमें इक्वल की बात आ गई, तो इसको भी कैंसिल कर ले स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पर इसको देखें, तो x इज़ लेस देन 6 और ग्रेटर देन -2, जो हमें रिक्वायर्ड, जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि इन में से वो ऑप्शन मुंतखब कर ले जिसमें x की वैल्यू -3 से ग्रेटर हो और 6 से कम हो, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। स्टूडेंट, अगर हम इस एमसीक्यूज की बात करें, fn = 8, 16 × 2n = n-8, सुबह हमारे पास इस तरह एक इक्वेशन गिवन है, 16 × 2m = 4 n-8, हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर के n किसके बराबर है, n 8 के बराबर है, हमें कह रहे हैं कि m की वैल्यू मालूम कर ले, तो स्टूडेंट 16 × 2m अपनी जगह पर = 4, n किसके बराबर है स्टूडेंट, 16 × 2m अपनी जगह पर 4, n किसके बराबर है, 8 के बराबर है, माइनस अपनी जगह पर 8 अपनी जगह पर 16 × 2m = 4, 8 और 8 कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा स्टूडेंट। अच्छा 16 × 2m, एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देख लें, मुझे
m की वैल्यू मालूम करनी है स्टूडेंट, तो इस 16 को उस साइड पर मतलब 16 को यहाँ से ख़त्म कर ले, तो स्टूडेंट इसको भी 16 पर डिवाइड कर ले, इसको भी ये यहाँ से ख़त्म, तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 पावर m इक्वल टू 1 बाई 16। अच्छा स्टूडेंट टू पावर m इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 16 की जगह मैं 4 स्क्वेयर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ 2 पावर m 4 स्क्वेयर। अच्छा स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 पावर m अपनी जगह पर, इस 4 स्क्वेयर को ऊपर ला दे, 4 स्क्वेयर को ऊपर, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है स्टूडेंट, जब ऊपर आएगा -2 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट इस 16 की जगह यहाँ पर देख ले, एक सेकंड, 2 पावर m इक्वल टू 1 बाई 16 की पावर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 8 8 मल्टीप्लाई 16 की जगह में 2 पावर 4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। सो 2m अपनी जगह पर इसको ऊपर ला दे तो 2 माइनस 4 बन जाएगा, नीचे +4 ही ऊपर पावर -4 बन जाएगा। जब भी बेस बेस के बराबर होगा स्टूडेंट तो पावर पावर के बराबर होगा, मतलब बेस बेस के तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के, तो m इक्वल टू -4 हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा। स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करें आयोटा डॉट माइनस आयोटा, तो इसको अगर हम सोल्व कर ले तो इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, इससे हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले इससे स्टूडेंट देख ले, अगर हम हमारे पास है आयोटा डॉट माइनस आयोटा स्टूडेंट प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है स्टूडेंट, -1 प्लस 1 ही आ जाएगा इससे हमारे पास। दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज स्टूडेंट, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर हमारे पास 1 है। 0 इज़ अनदर पॉजिटिव और नेवर नेगेटिव, हमारे पास ना 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है स्टूडेंट। अगर हम इनको सोल्व कर ले तो हमारे पास x की वैल्यू -15 ही आएगी स्टूडेंट, √0 जो है वो 0 के इक्वल है स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम इस पार्ट को कर ले तो इससे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 9 आयोटा ही, हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 9 आयोटा ही आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 था।